कैसे हो विद्यार्थी मित्रों, आप सब मजे में हो ना। तो आज हम हिंदी विषय सीखने वाले हैं। हिंदी विषय में हमने आखिर में प्रकरण नंबर जो 4 है अपने बारे में वो हमने सीखा था। उसका अपने बारे में जो प्रकरण है वो प्रकरण के जरिए हम अपना परिचय, मेरा परिचय जो निबंध होता है वो हम लिख सकते हैं, बराबर। अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए अपना मेरा परिचय निबंध लिखना है 6 से 7 वाक्यों, तो आप लिख सकते हो ना। पहले आपको क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं वो लिखना है, आप कौन से गांव में रहते हैं वो लिखना है, आपके पिताजी का नाम लिखना है, आपकी माताजी का नाम लिखना है, फिर आपके भाई का नाम लिखना है, बहन का नाम लिखना है, चाचा बुआ, इस सब का नाम आपको लिखकर आप अपना परिचय लिख सकते हो, बराबर। फिर हमने क्या सीखा था कि आपको ज़्यादा क्या पसंद है वो आपको लिखना था। सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो मतलब कि खेला खेल जो है वो बहुत सारे खेल होते हैं, तो वो खेल में से आपको ज़्यादा खेल कौन सा पसंद है वो लिखना था। खिलाड़ी भी बहुत सारे हैं, तो वो खिलाड़ियों में से ज़्यादा पसंद कौन सा खिलाड़ी है वो लिखना है। वैसे ही हमने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी कि खाना में कौन सा ज़्यादा पसंद है, गाने में, देखने में, मिलने में, रंग, जैसे हमने लिख सीखा था। फिर हमने शब्दार्थ भी देखे थे और अभ्यास। अभ्यास का प्रश्न नंबर हमने 3 यहाँ पे अधूरा छोड़ा था, बराबर। प्रश्न नंबर 3 को हमने सिर्फ समझा था, बराबर। जो शब्द यहाँ पे दिए थे वो हमने पढ़े थे, तो आज हमें क्या करना है, ये शब्द हम पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी, बराबर। तो आज हम लिखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर जो 3 है वो देखो, यहाँ पे जो दिया है शब्द दिए हैं, बराबर। ये जो शब्द दिए हैं उसको हमें क्या करना है, तो पढ़ना है और लिखना है। तो पहला शब्द है परिवार, क्या है, परिवार। तो हमें परिवार शब्द पढ़ना है, फिर उसे हमें लिखना भी है। वैसे ही दूसरा शब्द है सहेली, तो हमें सहेली पढ़ा फिर उसको लिखना भी हमें है, देखो इस तरह। फिर आगे का शब्द है दोस्त, बराबर, दोस्त। फिर है अध्यापक, तो अध्यापक, अध्यापक यानी कि आपको पता है ना शिक्षक, अध्यापक यानी शिक्षक, और अध्यापिका यानी शिक्षिका, बराबर। फिर आगे का शब्द है गांव, क्या शब्द है, गांव। तो गांव शब्द हमने लिख लिया और पढ़ भी लिया, गांव। फिर आगे का शब्द है कक्षा, तो कक्षा लिखा। फिर आगे देखो अच्छा, क्या है शब्द, अच्छा। फिर शब्द है खिलाड़ी, कौन सा शब्द है, खिलाड़ी, बराबर। फिर आगे देखते हैं, तो इस तरह प्रश्न नंबर जो 3 है वो आपको ये शब्द पढ़ने भी है और आपकी नोटबुक में लिखने हैं। फिर आगे देखते हैं हम स्वाध्याय, क्या देखेंगे, स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में पहला प्रश्न देखो, सही जोड़े बनाइए, क्या करना है, सही जोड़े बनाने हैं। यहाँ पे जैसे हम जोड़ मिलाते हैं ना, वैसे हमें यहाँ पे जोड़े बनाने हैं, क्या बनाने हैं, जोड़े। जैसे यहाँ पे अविभाग है और बहुविभाग है, क्या है, अविभाग और बहुविभाग। तो ये दोनों में से अविभाग में है पिता, भाई, चाचा, मामा, दादा, तो ये जोड़े के साथ कौन सा जोड़ा मिलता है वो हमें मिलाना है। तो पिता, तो पिता के साथ क्या आएगा, तो पिता के साथ माता, तो हमें माता पे जोड़ना है। फिर भाई, तो भाई के साथ भाभी। फिर शब्द है चाचा, तो चाचा के साथ चाची। फिर है दादा, अरे सॉरी मामा, तो मामा के साथ आएगी मामी।
फिर है दादा, तो दादा के साथ आएगी दादी। इस तरह हमें सही जोड़े मिलानी है, बराबर। फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दो। प्रश्न नंबर दो के अंदर क्या है, तो आगे देखो प्रश्न नंबर दो। प्रश्न नंबर दो के अंदर क्या है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। क्या करना है, कोष्टक में से उचित शब्द, हमें यहाँ पे कोष्टक दो दिया है, उसमें से हमें सही शब्द यानी कि उचित शब्द चुनना है। जैसे पहली खाली जगह देखो, वाक्य यहाँ पे दिए हैं। पहला वाक्य है, अरुणा चौथी कक्षा में खाली जगह है, पढ़ता है या पढ़ती है, तो कौन सा जवाब आएगा, उसका उत्तर कौन सा आएगा। तो अरुणा वो लड़की है, तो लड़की होगी तो वो क्या बोलेगी, मैं पढ़ती हूँ, ऐसा बोलेगी ना, पढ़ती हूँ। तो हमें यहाँ पे क्या उत्तर लिखना है, तो पढ़ती। पढ़ती है अरुणा, चौथी कक्षा में पढ़ती है। फिर दूसरी खाली जगह, दूसरा वाक्य देखो, लड़का खेल, फिर रिक्त स्थान दिया है, तो वो हमें पूर्ण करना है। यहाँ पे हमें शब्द भी दिया है कोष्टक से, कोष्टक में, वो कोष्टक में रहे है, रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लड़का खेल रहे है, लड़का खेल रहा है, तो लड़का एक ही है यहाँ पे, एक वचन है, इसीलिए कौन सा जवाब आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लड़का खेल रहा है, क्योंकि लड़का अकेला है, इसीलिए यहाँ पे एक वचन है, तो एक वचन है, इसीलिए क्या आएगा, रिक्त स्थान में रहा है, क्या आएगा, रहा है। तो हम यहाँ पे वाक्य पूर्ण करेंगे, रहा है, ऐसे, बराबर, लड़का खेल रहा है। अगर यहाँ पे लड़का जो शब्द है उसकी जगह लड़के शब्द होता, लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ पे दूसरा वाला जो विकल्प है वो आता, बराबर। फिर आगे की, आगे का जो वाक्य है वो देखो, मैं माता पिता का आदर, फिर रिक्त स्थान है, तो करता हूँ, करते हैं, तो मैं माता पिता का आदर करता हूँ, क्या आएगा खाली जगह में, करता हूँ, बराबर, ये शब्द आएगा। इस तरह हमें ये खाली जगह पूर्ण करनी है। फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर तीन। देखो प्रश्न नंबर तीन में क्या करना है, देखो आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, तो देखो प्रश्न नंबर जो तीन है उसके अंदर पहले तो हम सूचना पड़ेंगे, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। यहाँ पे कोष्टक हमें दिया है ना, वो कोष्टक के अंदर कौन कौन से शब्द दिए हैं, तो मैं, मुझे, मेरी, मेरे, ये कोष्टक में हमें शब्द दिए हैं, बराबर, कोष्टक में ये शब्द दिए हैं, तो हमें एक शब्द से खाली जगह भरनी है। तो पहली खाली जगह ही देखो, खाली जगह यानी कि रिक्त स्थान है, फिर लड़की हूँ, फिर क्या कहा है, लड़की हूँ, तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे जो विकल्प दिया है वो विकल्प शब्द जो दिया है हमें, उसमें से हमें चुनना है। तो मैं लड़की हूँ, मुझे लड़की हूँ, मेरी लड़की हूँ, मेरे लड़के है, तो पहली खाली जगह में क्या आएगा, मैं लड़की हूँ, क्या आएगा पहली खाली जगह में, ये मैं शब्द आएगा, कौन सा शब्द आएगा, मैं लड़की हूँ। फिर आगे देखो दूसरी खाली जगह, खाली जगह यानी कि रिक्त स्थान, पिता किसान है, तो पहला शब्द तो आ गया, फिर मुझे पिता किसान है, मेरी पिता किसान है कि मेरे पिता किसान है, तो यहाँ पे शब्द आएगा मेरे, तो हमें यहाँ पे लिखना है मेरे पिता किसान है। फिर आगे देखो तीसरी खाली जगह, खाली जगह माता घर काम करती है, तो मुझे और मेरी, ये दो शब्द बचे हैं, तो उसमें से कौन सा शब्द आएगा, मुझे शब्द तो नहीं आएगा, तो मेरी माता घर काम करती है। फिर आगे की खाली जगह है चौथी खाली जगह, खेलना अच्छा लगता है,
तो जो शब्द बचा है वो आ जाएगा। मुझे खेलना अच्छा लगता है, बराबर। तो इस तरह हम ये खाली जगह पूरी है। फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। अपनी सखी या अपने दोस्त का परिचय लिखिए। यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे सीखा अपने बारे में, यानी कि अपना परिचय सीखा, बराबर। तो आपको अपना परिचय जिस तरह लिखा वैसे ही आपको अपनी सखी का यानी कि अपने दोस्त का परिचय लिखना है। आप जो अपने परिचय में क्या करोगे, अपने परिचय में अपने सब रिश्तेदारों का नाम लिखोगे ना, माता का, पिता का, अपने माता का, अपने पिता का नाम लिखोगे। तो यहाँ पे जो अपने दोस्त का परिचय लिखना है तो आपके दोस्त का नाम क्या है वो लिखना है, आपके दोस्त जो है वो दोस्त के पिताजी का नाम क्या है वो आपको लिखना है, आपके दोस्त की माताजी का नाम क्या है वो आपको लिखना है, आपको आपके दोस्त को क्या पसंद है ना पसंद है वो आपको लिखना है, आपका दोस्त जो है वो कौन सी कक्षा में पढ़ता है वो भी आपको लिखना है, फिर आपका दोस्त कहाँ पे रहता है, कौन से गांव में रहता है, ये सब भी आपको लिखना है। इस तरह आपको क्या करना है, अपने दोस्त का परिचय लिखना है। अब आगे देखो योग्यता विस्तार क्या है, आगे योग्यता विस्तार। फिर देखो हमारे रिश्ते नाते, हमारे रिश्ते नाते यानी कि हम जो हमारे घर में जो सदस्य रहते हैं उनको हम अलग अलग रिश्ते नाते से बुलाते हैं, बुलाते हैं ना। अगर हमारे पिताजी है उनको पिताजी कहते हैं, हमारे पिताजी के जो भाई होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, चाचा जी कहते हैं। फिर हमारे पिताजी के पिताजी होते हैं उनको क्या कहेंगे हम, दादाजी कहेंगे। वैसे ही हमारे माताजी की मम्मी को हम क्या कहेंगे, आप सबको पता ही है क्योंकि हम सब रिश्ते नाते जानते हैं, जानते हैं ना, हमारे घर में ही सब रिश्ते नाते हैं तो हम बुलाते ही है। तो यहाँ पे हमारे रिश्ते नाते के बारे में हमें सीखना है। तो पहला देखो पिता के पिता, तो आपके पिताजी है उनके पिताजी है तो उनको आप क्या कहकर बुलाते हो, दादाजी, दादाजी कहते हो ना। तो पिता के पिता जो हुए वो दादाजी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, दादाजी। वैसे ही आपके जो पिताजी है उनकी माताजी को आप क्या कहते हो, उनकी माताजी को आप दादी कहते हो ना। तो पिता की माता यानी दादी, वैसे ही आपके पिताजी है बराबर, वो पिताजी के छोटे भाई है तो वो छोटे भाई को आप क्या कह के बुलाते हो, चाचा जी, चाचा जी कहते हो ना। इसीलिए पिता के छोटे भाई को क्या कहेंगे, तो चाचा कहेंगे, क्या कहेंगे, चाचा। फिर देखो पिता की बहन, हमारे पिताजी यानी कि आपके पिताजी की बहन को आप क्या कह के बुलाते हो, तो आप पिताजी की बहन को बुआ कहते होगे, बुआ कहते होगे ना। इसीलिए पिता की बहन हमारी क्या कहलाती है, तो बुआ कहलाती है, क्या कहलाती है, बुआ कहलाती है। फिर आगे देखो तो हमारे माता, यहाँ पे सब हमने जो सीखा वो क्या है, पिताजी के, पिताजी के पिता, पिताजी की माता, पिताजी के भाई और पिताजी की बहन। वैसे ही हमें माताजी के रिश्ते नाते भी पता है, पता है ना। तो माता के पिता जो है उनको हम आप क्या कहते हो, आपकी जो माताजी यानी कि मम्मी है उनके पिताजी को आप नाना कहते होगे, नाना कहते होगे ना। इसीलिए माता के पिता जो है वो नाना कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, नाना कहलाते हैं। वैसे ही आपकी माताजी जो है यानी कि मम्मी, तो मम्मी की मम्मी को आप क्या कहते हो, मम्मी की मम्मी को आप नानी कहते हो, नानी कहते हो ना। इसीलिए माता की माता नानी कहलाती है, क्या कहलाती है, नानी कहलाती है। वैसे ही माता का भाई यानी कि आपकी मम्मी का जो भाई है उनको आप क्या कहकर बुलाते हो, मामा, मामा कहते हो ना। तो माता का भाई जो है वो मामा कहलाता है, क्या कहलाता है, मामा। फिर आपकी माता जो है, आपकी जो मम्मी है वो मम्मी की जो बहन है वो बहन को आप क्या कहते हो, तो बहन को आप मौसी कहते होगे, मौसी कहते हैं ना। तो माता की बहन मौसी कहलाती है, क्या कहलाती है, मौसी।
तो ये जो योग्यता विस्तार है, ये योग्यता विस्तार को आपको क्या करना है, आपकी जो नोटबुक है हिंदी की, वो हिंदी की नोटबुक में आपको ये जो सब हमारे रिश्ते नाते जो है वो आपको लिखने हैं। और आगे और दूसरा क्या करना है तो सुनो, एक प्रवृत्ति भी आपको करनी है। वो प्रवृत्ति क्या है तो सुनो, यहाँ पे जो दिया है बराबर, पिता के पिता दादा कहलाते हैं, तो वैसे ही आपको इसकी एक वीडियो बनाकर मुझे भेजना है। कैसे? तो पिता के पिता को हम दादा कहते हैं, पिता की माता को दादी कहते हैं, पिता के छोटे भाई को चाचा कहते हैं। इसी तरह ये सारा जो यहाँ पे हमें दिया है, पिता का रिश्ते नाते और माता के रिश्ते नाते, ऐसे बोलकर हमें वीडियो बनानी है। आपको क्या करना है, ऐसे बोलकर आपकी वीडियो बनाकर मुझे भेजनी है, बराबर। एक प्रवृत्ति है, और दूसरी प्रवृत्ति क्या करनी है, तो आपका अपना परिचय आपको बोलना है, फिर उसका वीडियो बनाना है, और वो वीडियो बनाकर मुझे भेजना है। आपका परिचय तो आपको आता ही है ना, जैसे हमने यहाँ पे सीखा अपने बारे में, तो आपको बोलना है मेरा नाम रीता है, मतलब कि आपको आपका नाम लेकर, आप जो करते हैं, आपको क्या पसंद है, आपके मम्मी का नाम, वो सब बोलकर वीडियो बनाकर मुझे भेजना है। तो यहाँ पे ये जो प्रकरण है चौथा अपने बारे में, ये हम पूर्ण करते हैं, और नए प्रकरण के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।